अरे क्या यार, एक डिस्प्ले डिज़ाइन मैं डिज़ाइन कर करके थक चुका हूँ यार। मेरा ना दिमाग इस वक्त फुल घूम रहा है यार। ऐसा वीवो डिज़ाइनर होते हुए मेरी भी यार कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अच्छा डिस्प्ले डिज़ाइन करूँ, लेकिन हमारे वीवो के सीईओ को एक ही डिस्प्ले डिज़ाइन चाहिए, वो है जी वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिज़ाइन। अब आप मुझे बताओ कि मैं एज अ वीवो का डिज़ाइनर होते हुए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्प्ले भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, बैक के डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन वीवो के सीईओ को एक ही डिस्प्ले डिज़ाइन चाहिए, वो है जी यहाँ पे वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिज़ाइन। अगर देखा जाए वन प्लस के जो डिज़ाइनर है काफ़ी ज़्यादा बैक का डिज़ाइन अच्छा डिज़ाइन करते हैं, फ्रंट डिस्प्ले डिज़ाइन में हमें इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। यार मैंने ये डिस्प्ले डिज़ाइन क्रिएट किया, बैक का डिज़ाइन भी मैंने क्रिएट किया है, तो एज अ वीवो डिज़ाइनर होते हुए क्यों ना यार ये डिस्प्ले डिज़ाइन और बैक का डिज़ाइन सीईओ को दिखाया जाए, सॉरी वीवो के सीईओ को दिखाया जाए, शायद वो इस डिस्प्ले डिज़ाइन को अप्रूव कर दे और मैं प्राउड से कह सकूँ कि मैं एक टट्टी कंपनी का हिस्सा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक अच्छी कंपनी का हिस्सा हूँ। चलिए चलते हैं। डियर सर, मैं एक डिज़ाइन मैंने बनाया है तो मैंने सोचा क्यों ना डिज़ाइन आपको दिखाऊं। अच्छा, तुम ये डिज़ाइन लेके आए हो। एज अ वीवो सीईओ होते हुए मुझे भाई बैक का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं अपनी डिवाइसेस के, ठीक है, तो मुझे ये भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन ये फ्रंट डिस्प्ले डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बेटा हमारे पास इतना बजट है ही नहीं है कि हम ये डिस्प्ले डिज़ाइन दे सकें, तो सिर्फ यहाँ पे यही डिस्प्ले डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये वाला डिस्प्ले डिज़ाइन ही हम दे सकते बेटा, ये वाला डिस्प्ले डिज़ाइन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट सर, ये डिस्प्ले डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको ये डिस्प्ले डिज़ाइन पसंद आएगा। आखिरकार ये डिस्प्ले डिज़ाइन में मसला क्या है कि आप ये वाला डिस्प्ले डिज़ाइन क्यों नहीं देते? आप अपनी हर एक फ्लैगशिप डिवाइसेस में और मिड रेंज डिवाइसेस में वही आप वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, ये वाला आप क्यों नहीं डिस्प्ले डिज़ाइन प्रोवाइड करते? हम इसलिए ये डिस्प्ले डिज़ाइन ही देते हैं बेटा, हमारा इतना बजट ही नहीं है कि यार तुमको समझ नहीं लगता कि हम ये डिस्प्ले डिज़ाइन कहाँ से दें। हमने ये सारी डिस्प्ले डिज़ाइन इसी तरह की हमने सारे पैनल मंगवा के रखे हुए हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम ये डिस्प्ले डिज़ाइन कहाँ से देंगे भाई? ये देखो लेटर मेरे पास 20 रुपये वाला है, हमारा इतना बजट ही नहीं है, यहाँ पे मैं 20 वाला लेटर यूज़ कर रहा हूँ, 10 वाला सिगरेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ कि हम इस तरह का डिस्प्ले डिज़ाइन कहाँ से प्रोवाइड करें? यार तुम तो किस तरह की बातें करते हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं लगती भाई, इतना हमारा बजट ही नहीं है यार, मुझे ये बताओ कि हम डिस्प्ले डिज़ाइन कहाँ से ये प्रोवाइड करेंगे? आज के बाद तुमने इस तरह का मुझे डिस्प्ले डिज़ाइन प्रोवाइड किया ना, तो एज अ वीवो सीईओ कि मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा, मेरे पास और बहुत से डिज़ाइनर है, बिकॉज आई एम ए सीईओ ऑफ वीवो। और भाई हम तो चूतियाँ नहीं हैं, ठीक है भाई, मैं तंग आ चुका हूँ, ठीक है, तुम रोने रो, तुम जो मर्ज़ी करो, इस तरह का डिस्प्ले डिज़ाइन, इस तरह के डिस्प्ले डिज़ाइन में मसला क्या आखिरकार, मुझे ये बताओ। हमारे पास इतना बजट नहीं है तो इतने हाई क्लास वीवो को डिज़ाइनर को क्यों तुमने अपॉइंट किया है? तो भाई मैंने नहीं ये नौकरी करनी, ठीक है, और ये रहा डिज़ाइन, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी, ओके सर। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट डिस्प्ले डिज़ाइन के बारे में, तो हमें फ्रंट पे वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया, तो इस पर मैंने स्टार्टिंग में बड़ा एक लंबा लेक्चर दिया है, आई होप सो कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पे आपको 6.58 इंच का स्क्रीन साइज़ दिया गया है और यहाँ पे आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई, ना फ्रंट पे और ना ही बैक पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया, उस डिवाइस में आपको फुल HD की रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई हैं। अब बात करती है स्मार्टफोन के ना प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा आउट ऑफ बॉक्स, और यहाँ पे आपको मीडियाटेक टेमेस्टी 810 की चिपसेट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको मैली G52 का GPU देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस रीसेंट देखने को मिलेगी, लाइक यहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी बस स्मूथ ही देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे आपको स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी वीवो Y77 में, ठीक है। अब बात करती है स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में, बैक पे आपको 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा दिया गया है, 60 मेगापिक्सल का वाइड लेंस प्रोवाइड किया गया है, जिसका थर्ड वाला लेंस है 2 मेगापिक्सल का, मैक्रो लेंस प्रोवाइड किया गया है, इसकी जो प्राइस है ना पाकिस्तान में 60,000 है, इस डिवाइस की प्राइस पाकिस्तान में, तो 60,000 की प्राइस टैग में हमें यहाँ पे कोई भी बैक पे 4K रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं प्रोवाइड की गई, और हमें फ्रंट पे 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। इस डिवाइस में आपको 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है और यहाँ पे आपको 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। यार वीवो वाले अपने यूज
यूज़र को धोखा देती है, ठीक है, और जो हमारी अवाम है ना भाई वो धोखा खाई जाती है। वीवो को बस यही लगता है कि भाई जो हमारी अवाम है ना, जो हमारे फ़ैन हैं वो बस चूतियाँ हैं, हम उनको चूतियाँ बनाते रहेंगे, ठीक है, वो बस हमारी जो अवाम है वो चूतियाँ बनती जा रही है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 60,000 के प्राइस टैग में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डिवाइसेस भी देखने को मिलेंगी, पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा अच्छी डिवाइसेस देखने को मिलेगी। आई होप सो कि अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाजमी दबाना। तो आज के इतनी वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।